नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। देख रहे हैं शुभ जन्मदिन स्पेशल। मैं हूं आपके साथ आपका एस्ट्रो फ्रेंड संतोष संतोषी। आज जिनका जन्मदिन है उन सब के लिए हमारी तरफ से बहुत शुभकामनाएं। दिनांक 18 अप्रैल, आप सबके जन्मदिन पर परमात्मा आपको खूब अपना आशीर्वाद दें। आप प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें, पूरा साल आपका हंसते खिलखिलाते बीते। हम यह ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और हृदय से आप सबको अपना स्नेह देते हुए आशीर्वाद भी देते हैं। दिनांक 18 अप्रैल आपका जन्मदिन या 18 अप्रैल आपकी मैरिज एनिवर्सरी, दोनों स्थितियों में आपका आज का दिन खास बन जाता है। आप सबके लिए शिक्षा किस प्रकार से आपकी चलेगी पहले ये हम बता दें। देखिए, मई जून का महीना शिक्षा से थोड़ा सा उचाट मन रहेगा, मन ही नहीं लगेगा पढ़ने का, मन नहीं करेगा। कौन से महीने में? मई और जून के महीने में। जुलाई अगस्त शिक्षा के मामले में सकारात्मक रहेगा। जुलाई अगस्त में आपका भाव बड़ा पवित्र होगा। जुलाई अगस्त में आपकी स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। जुलाई अगस्त में जो भी विशेष बाधक चीज़ें रहेंगी उनसे आप बचेंगे। सितंबर अक्टूबर में शिक्षा में नई जगह पर कहीं एडमिशन वगैरह लेने के लिए अगर विचार कर रहे थे तो दिन बड़ा अनुकूल रहेगा। नवंबर दिसंबर कोई भी एग्ज़ाम अगर होगा क्वालिफाई कर लेंगे। बाहर जाकर कुछ शिक्षा ग्रहण करने के लिए जनवरी और फरवरी का महीना शुभ होगा। उन सब की बातें हम कर रहे हैं जो 18 अप्रैल को पैदा हुए हैं। 18 अप्रैल को पैदा हुए लोगों का व्यापार कैसा चलेगा, बिजनेस। तो मित्रों, बिजनेस के मामले में बहुत सकारात्मक पक्ष बन के आ रहा है जो आपके लिए बहुत कुछ बड़ा करने के लिए सोचा जा सकता है। बिजनेस के मामले में निवेश का दिन हर दिन रहेगा। आप बड़े से बड़े निवेश में आ सकते हैं। आपके लिए कुछ बड़ी संस्थाएं जुड़ रही हैं जो आपके लिए कई रास्ते खोलेंगे। दिनांक 18 अप्रैल को जन्म पाए लोग अपने आप में ही एक बड़ी संस्था लेकर के आ सकते हैं जो कि आपके लिए निवेश का एक माध्यम बने। प्राइवेट सेक्टर पूरे वर्ष में बदलाव बना रहेगा। कभी भी वर्तमान नौकरी को आप चेंज कर सकते हैं, कभी भी बड़ी नौकरी की तरफ आप स्विच कर सकते हैं, कभी भी आप विदेश जाकर के भी अर्न करने के लिए विचार कर सकते हैं। स्वास्थ्य को लेकर के नौकरी के प्रभाव या प्रभावित होने का जो समय होगा वो अगस्त और सितंबर के बीच में रहेगा, अगस्त सितंबर से सितंबर से मध्य के बीच का। स्वास्थ्य पे केवल ध्यान देना होगा। सरकारी नौकरी वालों के लिए कुछ अनुकूलताएं आ सकती हैं जो 18 अप्रैल को पैदा हुए हैं। प्रमोशन भी हो सकता है सितंबर अक्टूबर में। स्थानांतरण के लिए जून जुलाई और फिर फरवरी मार्च 2020, जब मन चाहे ट्रांसफ़र के लिए आप विचार करेंगे और वो संभव भी हो जाएगा। दिनांक 18 अप्रैल को जन्म पाए लोगों का दाम्पत्य जीवन कई मामलों में प्रभावित होगा। कभी दोस्त आपके दाम्पत्य जीवन के विरुद्ध भड़का सकते हैं, तो कभी बहनें आपकी, तो कभी कोई रिश्तेदार, माता पिता, हर तरफ से। तो आप सबको कान का पक्का होना है वो जो 18 अप्रैल को जन्म पाए हैं और शादीशुदा जीवन अच्छे से जीना चाहते हैं। सब पर विश्वास करना आपके लिए भारी पड़ सकता है। लव लाइफ स्थिति सामान्य है। लव लाइफ में अक्टूबर नवंबर में ब्रेकअप हो सकता है, मैं पहले ही आगाह कर देता हूँ। अभी अगर सिंगल हैं आप तो मई जून में कोई आपके जीवन में प्रवेश कर रहा है। लड़कियाँ खास तौर पर सावधान रहें, किसी को भी जीवन में सम्मिलित करने से पहले उसके संस्कारों के विषय में जानना आपका अधिकार है,
किसी को भी अपने जीवन में करीब आने के लिए आपको रुकना होगा, जैसे आपका आने वाला कल संवरता जाए। दिनांक 18 अप्रैल को जन्म पाए लोग स्वास्थ्य के मामले में पेट से परेशान रहेंगे। हर्ट और स्नोफीलिया सांसों की दिक्कत आपको परेशान करेगी। उपाय के तौर पर काले उड़द की खिचड़ी किसी सफाई कर्मचारी को दान दें, वो ना दान ले तो किसी को भी दे दें। ऐसे लोग जिनकी आज शादी की सालगिरह है, वो 3 प्रकार के फल का दान जरूरतमंद को करके उसका आशीर्वाद ले सकते हैं। बहुत आभार आप सबका इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। दिनांक 21 अप्रैल तक आप हमसे गाज़ियाबाद मिल सकते हैं और उसके बाद हम अहमदाबाद रहेंगे 22, 23, 24। जबलपुर के लिए 3, 4, 5 मई का डेट फाइनल हो गया है। जबलपुर में रहने वाले लोग या जबलपुर के आसपास के लोग मिलने के लिए 3, 4, 5 में हमसे संपर्क कर सकते हैं। दिनेश के नंबर पर कॉल करें आप 9910291850 या व्हाट्सएप करें 9560447000 पर। थैंक यू प्यार बनाए रखने के लिए। नमस्कार। के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, आप जो अलार्म बटन है उसको आप दबाइए और जितना हो सके वीडियो को शेयर करना ना भूलिए।